Hello friends, welcome to Wow IS. This is the 8th edition of the April 2023 current affairs. In this video, we are going to cover environment current affairs. Now, this is the initiative in which we are covering the Vision monthly magazines in the crispest form, and we are going to summarize the monthly magazines into 1/3 of its total length. And this is available at a rate of 599 rupees, in which we are going to cover monthly magazine from April 2023 till February 2024. After that, you have your prelim specific magazines that Vision releases. Now, for enrolling in the magazine, enrolling in the program, you can directly pay on this QR code, or you can use the link available below the video for enrolling in this course. The first magazine is Free for All. Now, in the first news that we have under environment is a Project Tiger. Now, Prime Minister has initiated two programs, that is commemoration of 50 years of Tiger Project in Mysuru, and second is the International Big Cats Alliance. This was also launched. So, two programs Prime Minister ne abhi launch kiye hain. Pehli cheez to 50 saal manaye ja rahe hain Project Tiger ke pure hone ke. Dusra jo initiative wo hai International Big Cats Alliance. Now, there has been a report released that is known as Amrit Kaal ka Vision for Tiger Conservation. This is the fifth cycle of management effectiveness evaluation of tiger reserves, and it is a summary report about the All India Tiger Estimation. MME is a global framework and evaluation of the management effectiveness of the protected areas among six major categories. Or categories kaun si kaun si hai? Context, planning, output, input, process and outcomes. तो क्या कंटेक्स्ट है, कैसे प्लान किया गया है, आउटपुट क्या आया, इनपुट क्या डाला गया है, क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया और आउटकम्स क्या निकले उसके. अब नेक्स्ट चीज जो आपकी आती है वो आती है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. सो दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडिया, एंड इसको इंडिया ने प्रपोज किया था 2019 में, एंड इट इज अ इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड. तो ये उसके अगेंस्ट में है, और इसके अंदर 7 बिग कैट्स को कवर किया जाता है, जो नेमली टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा है. तो इन सारों जो सारी की सारी आपकी बिग कैट्स है, उसको इसमें कवर किया जाता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर. जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन फ्रेमवर्क है 2020 का, उसकी क्या फाइंडिंग्स रही थी. तो ओवरऑल देर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 8% स्कोर इन द मीन MEE स्कोर. नेक्स्ट पेरियर टाइगर रिजर्व, इट हैज टॉप द MEE स्कोर विद 94.38% and 51 tiger reserves that were evaluated. Then उसके बाद आता है सपुरा एंड बांदीपुर, they came second, while नागरहोल it was ranked third. कोई भी टाइगर रिजर्व पूर कैटेगरी में इस बार नहीं था. नेक्स्ट इज की फाइंडिंग ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन फिफ्थ साइकिल रिपोर्ट. तो इसके अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 3167, एंड अराउंड 200 मोर टाइगर्स हैव बीन एडेड बिटवीन इन द 4 ईयर्स 2018 से लेकर 2022 तक. हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आर फाउंड इन द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स एंड ईस्टर्न घाट्स. नीलगिरी क्लस्टर, नागर होल टू बिलीरंगा हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट हैज द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंड ट्रांसफर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से कुछ फंड्स लगाने होते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विच इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी. दिस NCTA इट अप्रूव द टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. फंडिंग पैटर्न इज 60% and 50%. सेंट्रल गवर्नमेंट 60% and 50% फंड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन द नीड. नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90% फंडिंग हो जाती है. नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट आर टेकन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर. सो पहली बात तो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू टाइगर रिजर्व. तो अभी तक हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि इंडिया का 2.3% ऑफ द टोटल लैंड एरिया है. फिर एक कोर बफर स्ट्रेटेजी रहती है टाइगर रिजर्व्स के लिए, जिसमें कोर एरियाज के अंदर फ्री ऑल किसी भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी की एग्जिस्टेंस अलाउड नहीं है. थर्ड वन इज NCTA बैंड्स न्यू कंस्ट्रक्शन इन टाइगर रिजर्व्स, कोई भी नई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है. फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ M-STRIPES. M-STRIPES का मीनिंग है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. ये यूज करता है GPS टू जियोटैग फोटो एविडेंसेस. नेक्स्ट आपका आता है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स. देयर इज अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स दैट हैज बीन डिप्लॉयड.
Then there's the eBird project, which uses UAV, unmanned aerial vehicle, for surveillance and monitoring. तो ये आपका है eBird project. Next है international efforts. तो first effort is Global Tiger Forum 1993. ये conservation of tigers के लिए है tiger range countries में. Second है Global Tiger Initiative, ये 2008 में launch किया गया था. इसके अंदर government, international organization, civil society and private sector भी involved हैं. Then St. Petersburg Declaration of 2010. इसका ऑब्जेक्टिव था कि टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना है बाय 2022 और इंडिया ने इस फीट को अचीव कर लिया है. द नेक्स्ट इज ग्लोबल टाइगर डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 29. देन कंजर्वेशन अशोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स कैट्स फ्रेमवर्क है, ये 2013 में लॉन्च किया गया था टू चेक मैनेजमेंट कि कैसा मैनेजमेंट हो रहा है टाइगर कंजर्वेशन के अंदर. द नेक्स्ट इज बायलेटरल इंस्ट्रूमेंट्स और MOUs between several tiger range countries like India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, China and Myanmar. तो उनके बीच में एक bilateral instruments भी हैं. Then हम आते हैं NTCA के ऊपर. तो NTCA, as I already told you, it is a statutory body constructed under Wildlife Protection Act of 1972, which was amended in 2006. ये MOEFCC के अंडर आती है. पहली चीज़ तो statutory authority है जो project tiger के लिए है. ये project tiger को implement करती है. Secondly, accountability ensure करती है center state management of tiger reserves के अंदर. Then oversight provide करती है parliament को for the conservation of tigers. Then it also addresses the livelihood interest of the local peoples. इसके अलावा और क्या function है? Annual plan जो बनाए जाते हैं tiger reserves के operations के लिए उसको ये देखता है, उसको ये बनाता है. Then all India tiger estimation is also conducted by this authority. Then it also has a Guinness Book record for largest camera trap wildlife survey in 2019. So this I have already told you. Now this Wildlife Protection Act Schedule 1, Schedule 5, you can go to your environment book and you can cover that from there also. Then what are the challenges in the tiger conservation? First one, habitat loss of the prey species, जो prey हैं जिनके ऊपर ये tigers, जो उनका खाना है एक तरह से, उनका habitat loss हो गया तो खाना ही खत्म हो गया, तो tiger की population के ऊपर कहीं ना कहीं पे effect आएगा ही आएगा. Then there are human-animal conflicts because of linear infrastructure. Then funds, जो state है जो funds के लिए किस पे dependent है, union पे dependent है. और कई बार जो funds होते हैं time पे release नहीं होते, जो कि tiger conservation में एक challenge की तरह create हो जाता है. Then hunting, poaching and illegal trade, that is a big challenge. Then monitoring, जैसे मुकुंदरा है, रणथंबोर है, नागरहोल है, ये सब क्या है, स्टेट बाउंड्रीज पे हैं, जिसकी वजह से एक मॉनिटरिंग का इश्यू आ जाता है दो स्टेट्स के बीच में. देन क्लाइमेट चेंज है, जो टाइगर रिजर्व से हिमालयन स्टेट्स के अंदर हो गया, वो जो टेम्परेचर में शिफ्ट आ रहा है उसकी वजह से उनका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है. देन और क्या है, एटलीस्ट 20% ऑफ द टाइगर रिजर्व आर थ्रेटन्ड बाय द इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज सच एज लेंटेना कामारा. सो दिस वॉज अबाउट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर. नाउ नेक्स्ट वी मूव टू प्रोजेक्ट एलिफेंट. तो गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क के सेलिब्रेट किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 ईयर्स के कंप्लीशन पे. तो प्रोजेक्ट टाइगर का 50 ईयर्स का कंप्लीशन हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट का 30 ईयर्स का कंप्लीशन हुआ है. तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट की हम अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल एरियाज ये हैं कि मोर देन 60% ऑफ द ओल्ड वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स आर इन इंडिया ओनली. एलिफेंट सेंसस 2017 के अकॉर्डिंगली इंडिया में लगभग 30,000 एलिफेंट्स हैं, मतलब 29,964 अराउंड 30,000 एलिफेंट्स इंडिया के अंदर हैं. कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की, उसके बाद आसाम में आती है. और सेंसस 5 साल के बाद हर 5 साल के बाद कैरी किया जाता है, यानी 2022 में नेक्स्ट सेंसस होना है, हुआ है, उसका डेटा आना भी बाकी है. देन प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और प्रोजेक्ट टाइगर भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ये 22 स्टेट्स को कवर करता है. तो इट इज बेसिकली अबाउट कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स. तो कंजर्व, प्रोटेक्ट, रिस्टोर नेचुरल हैबिटेट्स, ट्रेडिशनल कॉरिडोर्स, माइग्रेटरी रूट्स ऑफ द एलिफेंट्स, उसके बाद पोचिंग के अगेंस्ट या कोई और थ्रेट है उसको, उसके अगेंस्ट काम करना, डिप्लॉयमेंट ऑफ पेट्रोलिंग स्क्वाड्स, ensure interstate and regional and national level coordination. Then steering committee, it includes representatives of the government as well as non-government wildlife experts and scientists जो इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं. Then it advises center to the project related issues. उसके बाद आता है elephant reserves. Elephant reserves में 33 elephant reserves हैं इंडिया के अंदर, जो लगभग 80,000 square kilometers का एरिया टोटल कवर करते हैं.
तमिलनाडु और आसाम के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स है, उसके बाद केरला और उड़ीसा में आते हैं। मैसूर एलिफेंट रिजर्व, सॉरी एलिफेंट रिजर्व इन कर्नाटका इज द लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व। आफ्टर दैट अबाउट एलिफेंट, अबाउट इंडियन एलिफेंट, तो इसका नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। इट इज फाउंड इन सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न घाट्स एंड नॉर्दर्न इंडिया। थ्रेट क्या है? ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, हैबिटेट लॉस है, फ्रेगमेंटेशन है, पोचिंग है, लॉस ऑफ जेनेटिक वायबिलिटी है, और इसकी वजह से क्या हुआ है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड आइसोलेशन हो गया। सो दिस वॉज अबाउट द इंडियन एलिफेंट। नाउ इफ यू कंपेयर द इंडियन एंड एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट, तो एशियन एलिफेंट इज कैटेगराइज एज एंडेंजर्ड। अफ्रीकन के अंदर दो एलिफेंट्स, एक सवाना एलिफेंट होता है, एक फॉरेस्ट एलिफेंट होता है। तो सवाना वाला है एंडेंजर्ड और फॉरेस्ट वाला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो सिर्फ फॉरेस्ट एलिफेंट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रेस्ट आर एंडेंजर्ड। एशियन एलिफेंट का स्मॉल साइज है, वेट सिर्फ 3,000 से 6,000 किलो है। अफ्रीकन का लार्ज है, इसका वेट लगभग 4,000 से 8,000 तक है। ईयर्स आर स्मॉल एंड राउंडिंग, यहाँ पे ईयर्स लार्ज एंड फैन शेप्ड है। जो स्किन है वो कंपेरेटिवली स्मूथ है, यहाँ पे रिंकल्ड है। और फोरहेड इज ट्विन डोम हेड, यहाँ पे सिंगल डोम हेड है, किसके अंदर, अफ्रीकन के अंदर। उसके बाद टस्क, तो मेल एशियन एलिफेंट्स के ही टस्क होते हैं, फीमेल में एबसेंट होते हैं। अफ्रीकन के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल हैव द टस्क, टस्क यानी जो बड़े बड़े दांत आपको दिखते हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट आपका आता कंजर्वेशन मेजर्स, क्या क्या लिए गए हैं। सो पहले तो नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प से। इसमें क्या है, एलिफेंट्स एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जा सकते हैं। तो इंडिया के अंदर लगभग 101 ऐसे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। द नेक्स्ट इज नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम और गज यात्रा, ये लॉन्च किया है NGO वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और हाथी मेरे साथी ने, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हैबिटेट श्रिंक होता जा रहा है वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। देन देयर इज अ एलिफेंट टास्क फोर्स ऑफ 2010 फॉर्मड इन 2010, जो कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी है एलिफेंट कंजर्वेशन पे, उसको रिव्यू किया और फॉर्मुलेट किए हैं फ्यूचर इंटरवेंशन की, आगे हम क्या कर सकते हैं। देन नेशनल हेरिटेज एनिमल, इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल हेरिटेज एनिमल इन 2010। देन रीहैब, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, इनिशिएटिव लॉन्च किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, ह्यूमन एलिफेंट, ह्यूमन एनिमल या ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना, तो रीहैब इसके अंदर आता। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जो लगता तो नाम से है कि रीहैब, एक तरह से मतलब कि इसका अगर नाम देखोगे तो नाम से ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपके ड्रग्स या एल्कोहल की जो हैबिट होता है उससे छुड़वाने के लिए बनाया गया है। पर दिस इनिशिएटिव इज फॉर रिड्यूसिंग ह्यूमन एलिफेंट अटैक्स, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनको रिड्यूस करने के लिए है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस में क्या क्या आएगा। चैलेंजेस में सबसे पहला तो हैबिटेट का डिग्रेडेशन है, ट्रेड ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, मॉडरेट फंड का एक इशू है, देन मॉनिटरिंग का इशू है क्योंकि माइग्रेशन बहुत लंबे डिस्टेंस पे होती है, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स का इशू। तो बेसिकली द सेम इशूज एज वी हैव सीन इन द प्रोजेक्ट टाइगर वाले में जो इशू थे वही यहाँ पे भी है। जो टाइगर कंजर्वेशन में इश्यूज थे, मोस्ट ऑफ द इश्यूज आर हियर द सेम आल्सो। टाइगर में बस एक एक्स्ट्रा ये हो जाता है कि वहां पे इट आल्सो रिलेट्स विद द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे, जो उनका शिकार है उनकी पॉपुलेशन पे वो डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट आता है, अब ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स हैं। एक तो है माइक, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये COP रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स के अंदर लॉन्च किया गया था प्रोग्राम 2003 में, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो ये यू हैव योर इकोलॉजी बुक्स, उसमें भी ये मेंशन है। नेक्स्ट इज देयर आर करंटली 28 साइट्स पार्टिसिपेटिंग इन द माइक प्रोग्राम इन एशिया अक्रॉस 13 कंट्रीज। इंडिया में ऐसी 10 साइट्स हैं, ये रेफर अब मैप में हम देखेंगे इन साइट्स को। उसके बाद 2017 में IUCN ने इंगेज किया था साइट के साथ, तो इम्प्लीमेंट द माइक एशिया प्रोग्राम इन टू सब रीजन, एक साउथ एशिया में, एक साउथ ईस्ट एशिया में। देन इंटरनेशनल एलिफेंट फाउंडेशन इज देयर, ये नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस की, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट के लिए डेडिकेटेड है। देन एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये 2011 में हुई थी, जिसको इंडिया ने होस्ट किया था, और इसके अंदर कंट्रीज लाइक बोत्सवाना, कोंगो, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया एंड थाईलैंड ने पार्टिसिपेट किया था।
देन दिस इज दीज आर द 10 साइट्स जहां पे हमारा माइक इनिशिएटिव इंप्लीमेंट होता। तो शिवालिक में है, ईस्टर्न दुआब्स के अंदर है, चिरांग रिपू रीजन है आसाम के अंदर, देन धांग पाटकी रीजन है आसाम के अंदर, दियोमली है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, देन गारो हिल्स है मेघालय के अंदर, फिर मयूरभंज है इन उड़ीसा, देन मैसूर एज यू नो कर्नाटका इज द बिगेस्ट इज हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मैसूर एलिफेंट रिजर्व इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट वन, तो यहाँ हो गया। फिर वेनियार्ड हो गया केरला के अंदर और नीलगिरी हिल्स हो गया तमिलनाडु में। तो दीज आर दी माइक साइट्स, माइक साइट्स यानी जो एलिफेंट की कंजर्वेशन के लिए साइट्स आइडेंटिफाई हुई है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सर्कुलर इकोनॉमी का। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आप याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट इट वॉज ऑब्जर्व टू एंकरेज एंड प्रिवेंट टू एंकरेज एवरीवन टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज वेस्ट एंड प्रमोट सोसाइटल शिफ्ट्स टुवर्ड्स अ सर्कुलर इकोनॉमी। देखो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है कि हम कोई वेस्ट जनरेट नहीं करें, जो भी हम चीज़ें यूज करते हैं उसको किसी और चीज़ में यूज कर लें, उस जो वहाँ से वेस्ट बनेगा उसको फिर किसी और चीज़ में यूज कर लें, यानी एट द एंड एनवायरमेंट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, जो नेगेटिव इंटरेक्शन है वो जीरो हो जाए, दैट इज नोन एज सर्कुलर इकोनॉमी। UNGA अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन इन 2022 टू प्रोक्लेम 30th मार्च एज द इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे और सर्कुलर इकोनॉमी आप कह सकते हो। तो इट इज जॉइंटली फैसिलिटेटेड बाय UNEP एंड यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। इसका थीम क्या रहा इस साल के लिए, अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की, इट हैज ऑल्सो रिलीज अ वर्किंग पेपर जिसमें उसने बात की है इंडियाज ट्रिस्ट विद अ सर्कुलर इकोनॉमी। अब सर्कुलर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड रीयूजिंग एंड रीसाइकलिंग ऑफ द इनपुट्स। जो भी हमारे प्रोडक्शन है वो रीयूज और रीसाइकल पे हो। मान लो आपकी गाड़ी है, गाड़ी आपकी पुरानी हो गई है तो उसमें से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलेगा, तो उसको हम रीयूज करके रीसाइकल करके नई गाड़ी बनाए या नया कोई प्रोडक्ट बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी। देयर वॉज अ सर्कुलेटरी गैप रिपोर्ट ऑफ 2023 जिसमें बोला गया ओनली 7.2% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी सर्कुलर, यानी हम सिर्फ 7.2% वेस्ट ही यूटिलाइज करते हैं। अब नीड क्यों है, रिप्लेसिंग लीनियर इकोनॉमिक मॉडल इन दिस द रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज टू मेक थिंग कंज्यूमर फाइनली थ्रोन अवे। तो लीनियर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आपने ये माइनिंग की यहाँ से अर्थ से, इससे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, इसको आपने यूज किया, जब ये खराब हो गया तो आपने इसको फेंक दिया। सर्कुलर इकोनॉमी क्या बोलेगा कि इस वेस्ट को यूज करो और दोबारा से प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके आओ। तो ये हो जाती है आपकी सर्कुलर इकोनॉमी जो नीचे वाला पोर्शन है, और ये वाला जो है ये है लीनियर इकोनॉमी। तो हमें लीनियर इकोनॉमी से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना होगा। 1970 से 2015 के बीच में इंडिया ने 6-fold इंक्रीज देखा है अपना एनुअल मटेरियल कंजम्पशन के अंदर। देन रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, वेस्ट रिड्यूस जो वेस्ट जनरेशन उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमें सर्कुलर इकोनॉमी की जरूरत है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेज दैट इंडिया जनरेट्स अराउंड 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एवरी ईयर। देन 70% ऑफ इट इज कलेक्टेड, ऑफ विच ओनली 12 मिलियन टन्स आर ट्रीटेड एंड 31 मिलियन टन्स आर डम्प्ड इन द लैंडफिल साइट्स। तो दिस इज नॉट अ गुड यूज ऑफ द वेस्ट। देन जॉब क्रिएशन, इसमें काफी हाई लेवल की जॉब क्रिएशन हो सकती है। देन जो हमारी ग्लोबल कमिटमेंट है SDGs के लिए, SDG 11 के अंदर एंड SDG 12 के अंदर, उसको फुलफिल करने में भी ये सर्कुलर इकोनॉमी हमारी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि SDG 11 बोलता है कि मेकिंग सोसाइटी सिटीज ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव एंड सेफ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। SDG 12 बोलता है इंश्योरिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। देन इंडिया हैज प्रॉमिस्ड टू बिकम अ नेट जीरो एमिटर बाय 2070 एट COP 26 ग्लासगो। तो इंडिया ने कमिटमेंट भी वहां पे किया है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इट एम्फसाइज ऑन लोकलाइजिंग प्रोडक्शन एंड यूजिंग लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। तो इंडिया का जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है वो 251% हाइयर है वर्ल्ड एवरेज ऑफ 450 टन्स पर एकर से। तो इससे क्या होगा, इट कैन पोटेंशियली जनरेट एन एनुअल वैल्यू ऑफ US$218 billion बाय 2030 एंड US$624 billion बाय 2050। और एक सेल्फ रिलायंस भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने वेस्ट को ही यूज कर पा रहे हैं एज ए न्यू सोर्स ऑफ मटीरियल, तो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी इससे कम हो जाएंगे।
देन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन में भी हेल्पफुल रहेगा. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड अकाउंट्स फॉर 9.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एमिशंस. और इससे लैंड डिग्रेडेशन, एयर, वाटर, नॉइज पोल्यूशन एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ग्रीन हाउस एमिशंस भी हम कहीं ना कहीं पे रोक पाएंगे उसको, उसको कहीं ना कहीं पे कंटेन कर पाएंगे. सो दिस इज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. आप देख सकते हो इट इज मैंशन, ये आप ग्राफ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसको आप कर लीजिएगा. देन नेक्स्ट आता है इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं सर्कुलर इकोनॉमी में जाने के लिए. तो पहला तो है रेगुलेटरी मेजर्स. नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी हैज बीन फॉर्मुलेटेड, एक नेशनल रिसोर्स पॉलिसी बनाई गई है 2019 की जो प्रमोट करता है सस्टेनेबल प्रोडक्शन और को कंजम्पशन पैटर्न्स को. देन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स हैव बीन मेड, जिसमें जैसे बैटरी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ई वेस्ट हो गया, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गए. तो इसमें क्या है कि जो प्रोड्यूसर है उसको ये इंश्योर करना है कि जब भी उसके प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल वो पूरा हो जाता है तो उसको वो वापस ले या उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करवा पाए. देन देयर आर अवेयरनेस कैंपेन, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, ग्रीन ग्रोथ हैज बीन कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज पॉलिसी इनिशिएटिव्स. देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम लोग देते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट और सब्सिडीज देते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन्स देते हैं रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री को. देन देयर इज अटल इनोवेशन मिशन जिसके थ्रू हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं. Then action plans have been formulated across 10 sectors including e-waste, lithium-ion batteries, end-of-life vehicles, scrap materials, etc. के लिए. Then उसके बाद आता है require systematic changes. इसमें systematic changes की requirement है. जो challenges की हम बात करें कि challenges क्या क्या हैं. तो जैसे design, produce, consume and dispose of goods and services need remarkable changes. Second, waste management sector inefficient and dominated by the informal sector. तो उसे हमें formalize करने की ज़रूरत है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, कंसल्ट अथॉरिटीज हैं, लैक वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स, जिनके सॉर्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया के पास. जैसे कि नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली की अगर आप बात करोगे, माउंटेन्स ऑफ गार्बेज हैज़ बीन क्रिएटेड. उसके बाद आपका आता है लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इट रिक्वायर्स इनोवेशन एंड न्यू अप्रोचेज टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, वेस्ट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. देन इंसेंटिवाइजेशन ऑफ द बिजनेस. हमें ट्रांजिशन करना होगा सर्कुलर इकोनॉमी में, वो कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होगा और बिजनेस को इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा इसके लिए. उसके बाद जो रिसाइकल्ड मटेरियल्स है उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है. सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर इकोनॉमी. द नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड. तो सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग. तो एक नेशनल लेवल का विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, जो कि क्लियर गोल्स बताए, स्ट्रेटजी बताए, इनिशिएटिव्स बताए, जिससे कि हम सर्कुलर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं. Then there should be regulatory framework जो promote करेगा circular practices को और provide करेगा incentives for businesses को. Then monitoring and evaluation वो important है. Waste disposal and waste management is also important. तो वो हम कैसे promote कर सकते हैं, वो by promoting recycling, composting and other forms of waste recovery. जैसे अगर आप French car maker की बात करोगे Renault के, तो 30% recycled materials को use करता है अपनी cars में. Then incentivization on using reused, repaired and recycled 3 R's products, हमें incentivize करना होगा उस चीज़ को. then incentivizing the innovation and technology to develop new circular solutions to help develop new materials. so with this we complete our session for today. tomorrow we are going to start with the groundwater. and again I am repeating, अगर आपको हमारा program अच्छा लगता है तो you can enroll in the program. first month का जो PDF हम आपको free देंगे. आप वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है और साथ साथ PDF में एनरोल करने एक प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए भी लिंक है. तो यू कैन एनरोल फ्रॉम देयर इटसेल्फ. सो थैंक यू वेरी मच. आई विल मीट यू टुमारो.